नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे चैनल को @ ग्रामीण ज्ञान धारा नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आज हम PYQ करेंगे संविधान सभा के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में, यानी संविधान सभा का गठन, स्रोत, निर्माण की प्रक्रिया, समितियाँ और विशेषताएँ क्या क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। एक नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। एक नंबर, प्रारूप समिति की नियुक्ति। दो नंबर, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। तीन नंबर, भारतीय संविधान के परिवर्तन होने की तिथि। चार नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 2 4 3, बी 4 1 2 3, सी 4 1 3 2, डी 3 2 1 4। सही उत्तर क्या होगा? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया था? प्रस्तावना में इसका वर्णन है 26 नवंबर 1949 को। संविधान के प्रवर्तन होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 4 1 2 3, 4 1 2 3। सही उत्तर क्या होगा? बी। दो नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। बी यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकूर बनाता है। सी यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। डी यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबूत करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान है वो लिखित या अलिखित दोनों प्रकार का दस्तावेज हो सकता है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत होता है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है तथा अन्य सभी विधियों का स्रोत है। सही उत्तर होगा सी, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन, तीन नंबर, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो एक क्वेश्चन तो प्रश्न में ही बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना कि मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 28 अप्रैल 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और यह पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट भी होता रहता है। और इस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और ये भी अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को 27 अध्यक्ष बना दिया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन, चार नंबर, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दो, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित किए गए। ए न तो एक न ही दो सही है। बी एक और
दो दोनों सही है, सी केवल दो सही है, डी केवल एक सही है, ई अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यह कथन सही है। और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था, यह भी कथन सही है। तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी सही होगा। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। कथन सेकंड, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। ऊपर लिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही है, बी कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं, सी कथन एक सही है और कथन दो गलत हैं, डी कथन एक गलत है और कथन दो सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया। कथन एक सही है। कथन दो, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। तो कथन दो भी सही है, कथन एक और दो दोनों सही हैं। तो सही ऑप्शन होगा ए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6 नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1973 से 82 तक रहा, और इससे पहले वह 6 लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन दो, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक और दो दोनों सही है तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। बी कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता। सी कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। डी कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। सही उत्तर क्या होगा? नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आप नीचे कमेंट में बताइए कि संविधान दिवस मनाना कब प्रारंभ किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। कथन सेकंड गलत है, हम ये पीछे कर चुके हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको पीछे बता चुका हूं, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दो नंबर, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तीन नंबर, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। ए एक दो और तीन, बी एक और तीन, सी एक और दो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए एकदम सही है। दो नंबर स्टेटमेंट, इसके
प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। गलत। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? विधानसभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष भी थे और अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? विधानसभा का। तीन नंबर स्टेटमेंट, मुस्लिम लीग ने विधानसभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। एकदम सही स्टेटमेंट है, तो सही होगा एक और तीन, तो बी राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए। कुल 114 दिन बहस हुई थी, कुल 11 अधिवेशन हुए थे विधानसभा द्वारा। संविधान को अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। इस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एनी बिसेंट। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विधानसभा की समिति और अध्यक्ष। भाषा समिति, जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति, मोतूरी सत्यनारायण, अल्पसंख्यक समिति एच सी मुखर्जी, मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 5 अनुत्तरित प्रश्न। सही जवाब क्या होगा? भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। तो 3 नंबर राइट हो गया। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। 4 भी राइट है। मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, इसके वल्लभ भाई पटेल। 5 नंबर भी राइट है। तो 3, 4, 5 राइट है। तो कितने युग्म है? केवल 3 युग्म सही है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। मौलिक अधिकारों की उप समिति, कौन सी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्लीएस्ट से लेटेस्ट, यानी पुराने से नए। 1 नंबर, विधानसभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण। 2 नंबर, विधानसभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाना। 3 नंबर, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन। 4 नंबर, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। ए 1, 2, 3, 4, बी 1, 4, 3, 2, सी 4, 1, 2, 3, डी 3, 4, 1, 2, ई अनुत्तरित प्रश्न। सही क्रम क्या होगा? विधानसभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण कब हुआ था? 17 दिसंबर 1946 को। विधानसभा द्वारा राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन कब किया गया था?
28 अप्रैल 1949 को। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो सही होगा उत्तर सी 4, 1, 2, 3। तो सबसे पहले नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946। इसके बाद अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण हुआ था 17 दिसंबर 1946 को। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और इसके बाद राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया था 28 अप्रैल 1949 को। 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशीय राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। सही है, देशीय राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। गलत है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं था। गलत है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। 4 नंबर सही है। तो सही उत्तर होगा डी 1 और 4। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचन के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के 20 सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? ए, विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। बी, विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। सी, विभिन्न जाति धार्मिक समूहों महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशीय राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता के लिए निवेदन मांगने के द्वारा। देशीय राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों, विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया। 2 नंबर, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, अर्थात कैबिनेट योजना के अनुसार। 4 नंबर, सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3। सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। कथन 1 सही है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं किए गए थे। चुनाव किस आधार पर किए गए थे? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था। सही है, चुनाव की स्कीम 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। यह कैबिनेट डेलीगेशन का ही सुझाव था। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। गलत। दोस्तों, संविधान सभा क्या थी? एक बहुदलीय निकाय थी तथा सभी धर्म जाति आदि का प्रतिनिधित्व था। सही उत्तर क्या होगा? डी 1 और 3। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए, प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे। सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। दोस्तों, इसका उत्तर अभी बताया है। सही उत्तर क्या होगा? सी, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी, इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया। गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। बी, अल्पसंख्यक समुदायों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बी भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। सी गलत है। डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। डी सही है। चुनाव प्रक्रिया का आधार क्या था? 1935 का अधिनियम। सीटों का आवंटन किस प्रकार था? कैबिनेट मिशन के अनुसार। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संबंधित संविधान सभा के सदस्य थे, प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी, विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषज्ञता के लिए चुने थे। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। सही उत्तर होगा बंबई प्रेसिडेंसी से। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहली बार भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? बंगाल से, जो विभाजन के बाद किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद पुन्ना सीट खाली करवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया था और वो वहां से सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। बी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। सी, प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम सिख सामान्य में उनकी अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। डी, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ए, संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। सही है। बी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। सही है। सी, प्रत्येक प्रांतों में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम सिख व सामान्य में बांटी गई उनकी आबादी के अनुपात में। सही है। डी, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत थी, न कि गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित थी। तो कथन डी गलत है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए, बी आर अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
और स्थायी अध्यक्ष सबसे पहले किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को ही उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था विधानसभा का? H.C. मुखर्जी को। और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को ही B.N. राव को। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, विधानसभा का पहला सत्र हुआ था ए 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। सही उत्तर होगा सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ए 26 जनवरी 1947 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 11 दिसंबर 1946 को, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन ही सेम है, सही उत्तर होगा बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इनमें से कौन संविधान सभा का एक सलाहकार था? B.N. राव, B.R. अंबेडकर, पट्टाभी सीतारामैया, अल्लादी कृष्ण स्वामी। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? सही उत्तर होगा ए B.N. राव। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर, प्रतिनिधि चार घटकों हिंदू मुस्लिम सिख एवं ईसाई में से चुने जाते थे। दो, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीन, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। चार, B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। इनमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, केवल 3, केवल 1। दोस्तों प्रतिनिधि सभा चार घटकों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से चुने जाते थे, गलत है। क्या है? गलत। क्यों गलत है? संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों में से होता था। कौन कौन से थे? सिख, मुस्लिम, सामान्य या अन्य। दो नंबर, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गलत। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तीन नंबर, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, एकदम राइट स्टेटमेंट है। चार नंबर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी, गलत है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 3, केवल 3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। सही उत्तर होगा इसका ए 15। भारतीय संविधान सभा में कुल
15 महिला सदस्य थी। कौन कौन सी थी? विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणी वेलायुदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन एवं अम्मू स्वामीनाथन। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया? ए क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, बी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, डी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। देखते हैं कितने व्यक्ति सही उत्तर दे पाते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेयरमैन, टीटी कृष्णामचारी, वीटी कृष्णामचारी, एचसी मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। इसका सही उत्तर होगा डी फ्रैंक एंथोनी। सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, उनके आग्रह पर फ्रैंक एंथोनी को प्रथम उपसभापति मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? ए बी एन राव तथा के एम मुंशी, बी एस एन मुखर्जी तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी बी एन राव तथा एच एन मुखर्जी, डी के एम मुंशी तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी बी एन राव तथा एच सी मुखर्जी। बी एन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। और एच सी मुखर्जी कौन थे? एच सी मुखर्जी मुख्य योजनाकार। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए मौलिक अधिकार स्रोत यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी बीपीएसपी स्रोत आयरलैंड, सी केंद्र के अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, डी आपातकालीन शक्तियां जर्मनी यानी इमरजेंसी पावर। तो कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? दोस्तों हमें पता है मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए सुमेलित है, बीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए सुमेलित है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई? आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई। डी सही होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा 32 नंबर का? 32 नंबर का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट क्यों होगा? क्योंकि पूछ रखा है कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी भारत सरकार अधिनियम 1935 है। संविधान का आकार, संरचना, स्वरूप, विषय सूची तथा भाषा पर 1935 के एक्ट का प्रभाव है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली या मंत्रिमंडलीय सरकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता, विधि का शासन, ये सभी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति आदि का प्रावधान यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। गणतंत्र की स्थापना फ्रांस से
आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली, विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली आदि आयरलैंड के संविधान से दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान आदि लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य का संबंध, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा करना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी शक्ति ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूर्व से वेद संघ का संविधान था उससे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका, कनाडा, रूस, स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर होगा दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या देखी थी, तो सही उत्तर होगा बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सही उत्तर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, डी रूस। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा यूएसए से ली गई है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अंग और स्रोत, इस साइड में अंग दे रखे हैं, यहाँ पर स्रोत दे रखे हैं। फेडरल सिस्टम यानी संरचनात्मक स्वरूप, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, मौलिक अधिकार, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, केंद्र राज्य संबंध, कनाडा का संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटिश संविधान। हमें पता है संरचनात्मक स्वरूप 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, सही मिलान है। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, सही मिलान है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, सही मिलान है। राज्य की नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये गलत मिलान है। और इसमें क्या पूछ रखा है, गलत मिलान कौन सा है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारतीय संविधान के मद को सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया है, के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी भारतीय संविधान की मद यानी विशेषता और जिस देश से अपनाया गया है या ग्रहण किया गया, यानी स्रोत। राज्य के नीति निदेशक तत्व ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, इनमें से अपनाए गए हैं। मूल अधिकार किनमें से अपनाए गए हैं? संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों हमें पता है डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की सूची संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची। और भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से ली गई है, यानी फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी डीपीएसपी को। ए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के संविधान से, बी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, सी आयरलैंड से, डी जापान से। दोस्तों हमें पता है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं, तो सही उत्तर होगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए, आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही उत्तर क्या होगा? आयरिश गणतंत्र से। यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, डी आयरलैंड के संविधान से। सही उत्तर होगा इसका डी, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु पद्धति निश्चित की थी? जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड। दोस्तों हमें पता है संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की गई थी, तो सही उत्तर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, प्रावधान और स्रोत? भारतीय संविधान के प्रोविजंस दिए गए हैं और सोर्स बताना है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आपात उपबंध जर्मनी, वित्त आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन। हमें पता है संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, सही है। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, सही है। आपात उपबंध जर्मनी से, सही है। वित्त आयोग गलत है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? ए संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, बी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, सी एकल नागरिकता, डी व्यापक संघ और समवर्ति सूची। इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? हमने संविधान में पढ़ा था कि भारतीय संघवाद किसी सहमति या समझौते का परिणाम नहीं है जैसा अमेरिका में संघवाद है, इसलिए भारतीय संघवाद के बारे में क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो दोस्तों संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, यह विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, सही है। एकल नागरिकता है, सही है। व्यापक संघ और समवर्ती सूची है, सही है। समवर्ती सूची कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं, तो ना कनाडा से। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार दिया गया इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा डी, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार ग्रहण किया गया। दोस्तों आप बताइए जो उद्देशिका है उसकी भाषा किस देश से ग्रहण की गई? आपको जानकारी के लिए बता दूं भाषा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई। उद्देशिका की, उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किसने किया? पंडित नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947। और एन ए पालकीवाला ने
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना का। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से, डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था है। तो कनाडा नाम आ जाए या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो राज्यों का संघ की संकल्पना कहां से ली गई, कनाडा या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अभिग्रहण किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, बी अमेरिकी संविधान से, सी सोवियत संघ से, डी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। इसका सही जवाब होगा ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को निर्देश देने का प्रावधान था। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है। सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा व्यवस्था, वित्त आयोग, विधि का शासन। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4। दोस्तों सचिवालय व्यवस्था कहां से ली गई, ब्रिटिश शासन से ली गई, ए सही है। लोक सेवा आयोग भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था से ली गई। विधि का शासन भी ब्रिटिश शासन से ली गई। वित्त आयोग ब्रिटिश शासन से नहीं लिया गया। तो 1, 2, 4 सही होगा, सही उत्तर होगा इसका डी। विधि के शासन से आशय है कि संबंधित राज्य में कोई व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न होकर विधि सर्वोच्च है। इस प्रकार के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं और उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश विधिवेता एल्बर्ट डायसी द्वारा 19वीं सदी में किया गया था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, नीचे दो सूचियां दी गई हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं, दूसरे में वे देश जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है। उन्हें सुमेलित कीजिए इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, आयरलैंड। इनका मिलान करना है। तो विधि के समक्ष समता कहां से ली गई, इंग्लैंड से ली गई। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनुदान, आयरलैंड से। तो ए दो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए 2, B 1 ये भी नहीं होगा, तो बी सही होगा। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से, विधि का समान संरक्षण यूएसए से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनुदान आयरलैंड से ग्रहण किए गए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई। कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, न्यायालय की स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2, 3 और 4 केवल 1 और 4, 1, 2 और 4 सही जवाब क्या होगा। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से ली गई, गलत। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की गई। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूके में। 50 नंबर, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में। भारत और यूएसए दोनों में, भारत और यूएसए दोनों में।
का सही उत्तर क्या होगा? डी, भारत और यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत ने कहां से ग्रहण की? यूएसए के संविधान से। आज 50 क्वेश्चन ही करेंगे, आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछें। इसका हम एक पार्ट और लेकर आएंगे ताकि पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो आप बने रहिए ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर, एजुकेशनल नॉलेज वाले और अध्यात्म से संबंधित वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।